में पहली बार जीतने के बाद नीलकंठ टेका ने हमसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केशकाल के किन मुद्दों पर ज्यादा काम किया जाएगा और इस जीत का श्रेय किसे देंगे, तो उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। निर्वाचित होकर आ रहे हैं पूर्व आईएएस कलेक्टर नीलकंठ टेकाम जी, किस तरह से ये पूरा चुनाव रहा और किस तरह से आपको ये बहुमत मिला है, इसके बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है, किस तरह से रहेगा ये कार्यकाल? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही जो कुछ भी यहाँ के मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ, लोगों की नागरिकता को सुरक्षित किया गया, लोगों को हर प्रकार से मदद करने का काम किया गया। अब फिर से जब ये मौका मिला है तो निश्चित तौर पर पुराने कार्यकाल में जो बातें रह गई थी, जो काम रह गए थे, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और कोंडागांव जिले में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट एक अहम मुद्दा बनकर के सामने आया था, जिसको मैं जब यहाँ कलेक्टर था उस समय चालू किया गया था, उसको रोक दिया गया था, उसको फिर से चालू करने का काम किया गया। क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी केशकाल विधानसभा की जनता के लिए, क्या क्या योजनाएं लेके आई केशकाल के लिए? मुख्य रूप से वहाँ पर केशकाल घाट का मुद्दा है, बाईपास का मुद्दा है और बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ पर नदी नालों से गांव घिरा रहता है, उनमें जो है पुल पुलिया बनाने की बात है और हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत सारे स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी है, उन सबको जो है एड्रेस करने की कोशिश की गई। ये थे नीलकंठ टेकाम जी। नीलकंठ टेकाम जी को हमारे TV24 की ओर से बहुत ढेर सारी बधाई जीत की, और आप देखते रहे TV24 कोंडागांव से। मैं संतोष मरकाम।